नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को 5 तारीख है और 5 तारीख का निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके मैं मेरा सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो आज को क्या क्या कॉल बना था निफ्टी में और उसमें से कौन सा कॉल में आपको ट्रेड करना चाहिए था। जनरली अगर हम लोग देखते हैं हर एक स्क्रिप्ट दिन में 2 से 3 कॉल एवरेजली दे ही जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं जो उसका हर एक कॉल ही अचीव होता है। उसमें से हम लोग देखते हैं कभी एक कॉल अचीव होता है, कभी 2 कॉल अचीव होता है, ऐसा भी हो सकता है जो एक भी कॉल अचीव ना हो। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कौन सा कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए था और कौन सा कॉल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। मैक्सिमम टाइम हम लोग का साथ यही होता है, जो फॉल्स कॉल में हम लोग ट्रेड कर लेते हैं और हम लोग का मोरल डाउन हो जाता है और उसका बाद जो अच्छा कॉल है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम लोग उसमें ट्रेड नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं एकदम सुबह से क्या क्या मूवमेंट हुआ मार्केट में और कैसे आपको इस मार्केट को रीड करना था एज पर सॉफ्टवेयर। ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट ओपन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। फर्स्ट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल में आपको एक ब्लू कलर का कैंडल दिख रहा है। ये जो 3 नंबर कैंडल है, देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर का कैंडल दिख रहा है। तो ब्लू कलर का कैंडल का मतलब है ये आपको नोटिफिकेशन दे रहा है जो इसका बाद का कैंडल पे सिग्नल आने वाला है। तो जब भी कोई ब्लू कलर का कैंडल आपको हम लोग का सॉफ्टवेयर में दिखे, इसका मतलब है आपको अलर्ट रहना है, जो नेक्स्ट कैंडल पे उसका रिवर्सिंग कॉल लाने वाला है। बाय चल रहा है तो सेल आएगा, सेल चल रहा है तो बाय आएगा। तो इसका बाद वाला कैंडल पे देखिए हम लोग का फर्स्ट आज को जो सेल का कॉल बना था वो बना था 9:40 पे। जब भी कोई कॉल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ, तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में इसका वैल्यू लिखा हुआ है 16228.2। इस वैल्यू में सेल करना चाहिए था, ऊपर में स्टॉप लॉस था, नीचे T1 T2 T3 टारगेट था। 9:40 का फर्स्ट सेल का कॉल। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही था, इसमें हम लोग ट्रेड कर पाते या नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कंडीशन को देखना है, जैसे सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनना चाहिए। तो ये चार्ट में स्टार मुझे दिख नहीं रहा है, मे बी स्टार ऑलरेडी अगले दिन आ चुका है। तो आप पकड़ लीजिए इस कॉल में ऑलरेडी स्टार है। नीचे का रिबन रेड होना चाहिए, जो रेड है, और नीचे में एक लाइन इंडिकेटर है। इसका कलर देखिए एक बार, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, तो कलर फैक्टर नहीं है, फैक्टर है ये व्हाइट लाइन का नीचे है या नहीं। तो ये भी व्हाइट लाइन का नीचे है, तो मेरा तीनों का तीनों कंडीशन ही यहाँ पर फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 9:40 पे जो कैंडल में कॉल बना था उसमें आपको स्टार भी दिख रहा था, नीचे का रिबन भी रेड दिख रहा था, और नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है वो भी दिख रहा था, जो न्यूट्रल का नीचे मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये कॉल एज पर लॉजिक परफेक्ट था, आप इसमें ट्रेड कर सकते थे। बट ट्रेड करेंगे कब? ट्रेड तभी करना है, ये जो ब्लू कैंडल बना था उसका पहले, दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। आपको ब्लू कैंडल का लो को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक ब्लू कैंडल का लो नहीं तोड़ता है तब तक आप इस कॉल पे ट्रेड नहीं ले सकते, दिस इज द फाइनल थिंग। ये देखिए ये जो सेल का कॉल बना था इस कैंडल पे, तो भले इसका सारा कंडीशन यहाँ पर मैच क्यों ना हो, जब तक आगे जाके कोई भी कैंडल, ऐसा नहीं जो इसी कैंडल को इसका नीचे आना चाहिए था, आगे जाके कोई भी कैंडल अगर ये ब्लू कैंडल का लो का नीचे आता तभी जाके इस सेल का कॉल में आप ट्रेड ले पाते, अदरवाइज नॉट। जो हुआ नहीं तो अल्टीमेट आप वेट कर सकते थे, धीरे धीरे आप वेट करते रहे, आप ट्रेड नहीं किए और फाइनली आपको इस पोजिशन पे आके दिखाई देगा जो मिडिल में मेरा दो पिंक कलर का लाइन चल रहा है, जो क्रॉसओवर होके ग्रीन हो गया। तो ये संकेत है जो शायद यहाँ से आप मार्केट रिवर्स होने वाला है, क्योंकि ब्लू कैंडल का नीचे आया नहीं मार्केट और आप ट्रेड भी नहीं किए, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लॉस खाने का भी जरूरत नहीं है। अल्टीमेट देखिए धीरे धीरे मार्केट रिवर्स किया और दोबारा एक बाय का कॉल बना था हम लोग का एग्जैक्टली इस कैंडल पे। इस बाय का कॉल का पहले भी देखिए एक ब्लू कलर का कैंडल बना है, छोटा सा यहाँ पर कैंडल है। अब ये कॉल था 12 बजे, इस टाइम आपको दोबारा वही कंडीशन देखना है। नीचे का रिबन देखिए पहले रेड था, अभी ग्रीन हो गया है। अब ये जो नीचे वाला लाइन है वो व्हाइट का नीचे जो मूव कर रहा था, अभी वो ब्रेक करके व्हाइट का ऊपर चला आया है।
और आपको स्टार के लिए वेट करना है। जैसे स्टार देखिए, दो कैंडल बाद आपको दिखाई दिया इस कैंडल पे, तो ये जो कैंडल है यहाँ पर मुझे मेरा पूरा जो कंडीशन है फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है 12:15। तो आपको ट्रेड पकड़ना था इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू, जिसका वैल्यू आपको ऊपर में एलटीपी का साथ दिखाई दे रहा है 16278.5। तो प्रैक्टिकली 12:15 में जो ट्रेड हो रहा है निफ्टी फ्यूचर में, ये हम लोग का एक जेन्युइन कॉल है। यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं अपना प्रॉफिट के लिए। तो 278 से लेके कब तक मार्केट उठा, देखिए टारगेट 1 गया है, बट मैं फाइनली डायरेक्ट एग्जिट पे आता हूँ। ये जो यहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर होके पिंक हुआ, जिसका वैल्यू था 331, तो प्रैक्टिकली आप इस पोजीशन को पकड़ सकते हैं अपने एग्जिट के लिए। जो ये आपको इंडिकेट कर रहा है, जो शायद आप मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और उसका साथ साथ नीचे का लाइन भी देखिए रेड होके काफ़ी नीचे आ गया है व्हाइट को तोड़ने के लिए। तो ये व्हाइट को तोड़ देने का मतलब है 100% निकलना ही है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो आप यहाँ पर एंट्री लिए, जिसका वैल्यू था इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू, मैं और एक बार दिखा देता हूँ, 278। 278 मतलब मैं 280 भी अगर पकड़ता हूँ आप ट्रेड करते करते, 280 से आप यहाँ पर 20 पॉइंट और इधर और भी 30 पॉइंट, लगभग 331 का एग्जिट था इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू। मतलब ये जो 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी फ्यूचर में मिला, दिस इज द जेन्युइन, ये आपको जेन्युइन प्रॉफिट था। तो ये जो 12:15 से लेकर 2:30 बजे का मूवमेंट था मार्केट करके गया, यहाँ पर आपको लॉस करने का चांसेस एकदम नहीं है। तो अल्टीमेट देखिए मार्केट दोबारा धीरे धीरे गिरने लगा, लास्ट में एक सेल का कॉल दिया था तो मार्केट बंद हो गया, बट कॉल का हिसाब से देखा जाए तो कॉल बिल्कुल परफेक्ट था। देखिए सिग्नल का पहले स्टार दे दिया था, नीचे का रिबाउंड रेट था, लाइन भी न्यूट्रल को तोड़ दिया था। तो इस हिसाब से हम लोग मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉल तो बहुत सारा बनता है, हर एक कॉल में अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। दिन में एक कॉल में ट्रेड कीजिए, वही आपको सारा दिन का प्रॉफिट देके निकल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है हर स्क्रिप्ट में हर एक कॉल में काम करना है, हर एक का पीछे दौड़ना है। आपका सामने स्कैनर रहेगा, स्कैनिंग में कॉल होके आपका सामने पॉपअप आ जाएगा, आपको जस्ट कंडीशन को मैच करना है। याद रखिएगा ट्रेडिंग का मतलब ही है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये तो था एक सिंपल वर्ड जो मैं आपको यहाँ पर समझाया, जो किस बेसिस में आपको ट्रेड करना चाहिए। नॉट ओनली निफ्टी फ्यूचर, कोई भी स्क्रिप्ट हो, दिन में एक ना एक बार वो मूवमेंट करके जाता है। हम लोग को फाइंड आउट करना है जो वो मूवमेंट कब हो रहा है, कहाँ पर मुझे वहाँ से पैसा निकालना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा भी लगा है। अगर अच्छा लगेगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में, और जब आपका जब मन में जो भी डाउट या क्वेरीज है या कैसा लगा कमेंट करके बोलिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको और भी बहुत सारा वीडियो मेरा देखना है या मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो वीडियो का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली, मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, बहुत सारा आइडिया एंड नॉलेज आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।